नमस्कार मित्र, स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन कुमार, पाठ्य योजना क्रमांक 23, तिथि 19/7/2022, कक्षा 7, विषय हिंदी, क्लास प्रथम, अवधि 45 मिनट, दिन मंगलवार, क्षेत्र अध्यापक रवि रंजन कुमार, विद्यालय राजकीय माध्यमिक विद्यालय तिटीरा, जीरा दही। प्रकरण है नचिकेता। उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। पहला उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, बच्चों में कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों को धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण सहित कहानी पढ़ना सिखाना। विशिष्ट उद्देश्य में पहला, बच्चे अपनी पुरातन सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी माता पिता भक्त बन सकेंगे। तीसरा, छात्र शुद्ध उच्चारण स्पष्ट वाचन का अभ्यास कर सकेंगे। सहायक शिक्षण सामग्री, चौक डस्ट और संकेतक आदि, शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, पूर्व ज्ञान। विद्यार्थियों को पहले से नचिकेता कहानी के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त है। प्रस्तावना प्रश्न लेसन प्लान का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। मित्र, चैनल को सब्सक्राइब लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो करना, लाइक करना, इससे मोटिवेशन मिलता है। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया। पहला प्रश्न, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो हामिद, अमीन। दूसरा प्रश्न, हामिद कैसा लड़का था? तो आज्ञाकारी। तीसरा प्रश्न, आपकी कक्षा में हिंदी विषय में कोई आज्ञाकारी बालक से संबंधित कोई कहानी है? तो मौन समस्या था। उद्देश्य कथन में, बच्चों आज हम लोग पौराणिक कहानी नचिकेता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कठिन निवारण में शब्द एवं अर्थ, सुख का दुख, अन्यास का अर्थ, अचानक आहुति का, हवन में अग्नि को समर्पित की जाने वाली वस्तु, निष्ठा में श्रद्धा, भक्ति, सहन सहिष्णु में सहनशील, संपन्न में पूर्ण होना। प्रस्तुतिकरण, पहले पेज में 2 कॉलम, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया। दूसरे पेज में विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट कार्य। पहला प्रश्न है, नचिकेता कहानी को किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद से। दूसरा प्रश्न है, कहानी नचिकेता के मुख्य पात्र कौन कौन है? तो नचिकेता, बाजश्रवा और यमराज। तीसरा प्रश्न, यमराज किस लोक के देव हैं? तो मौन समय शतक प्रश्न हो जाएगा। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, नचिकेता का व्याख्या स्पष्टीकरण, छात्र अध्यापक कथन। नचिकेता कहानी कठोपनिषद से ली गई है। आज से हजारों वर्ष पहले महर्षि वाजश्रव हुए। महर्षि वाजश्रव का अधिकांश समय जप तप में बिताता था। उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। नचिकेता पिता भक्त बालक था, वह सहिष्णु था। वाजश्रव ने सर्व मेघ यज्ञ करने की बात अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई थी। पिता की इच्छा जानकर उसे बेहद खुशी हुई। यज्ञ शुरू हुआ। उसमें भाग लेने के लिए ब्राह्मण आया। नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखा। पिता ने क्रोधवश में बोले, नचिकेता मैं तुम्हें यमराज को दान दूंगा। अंततः नचिकेता यमपुरी पहुंचा और बोला, देव, मैं महर्षि वाजश्रव का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। यमराज ने नचिकेता से 3 वर मांगने को कहा। पहला वर, पिता श्री का क्रोध शांत हो, यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। दूसरा, विद्या, और तीसरा, आत्मा का रहस्य। अंततः विवश होकर यमराज ने नचिकेता को आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि होगा ये। कठिन निवारण में शब्द और अर्थ, सहस्त्रों में हजारों वर्ष, दृढ़ता में मजबूती, अगाध में अथा, प्रतीक्षा का अर्थ इंतजार, निष्फल का अर्थ व्यर्थ, स्वप्न का अर्थ सपना, प्रस्थान का कूच,
संबल का सहारा, सौम्य का सुंदर, सुख का अर्थ दुख, निरुत्तर बिना उत्तर के। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहले पेज में छात्राध्यापक क्रिया, दूसरे पेज में विद्यार्थी अनुक्रिया। पहला प्रश्न है, नचिकेता किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद से। प्रश्न दो, नचिकेता कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन हैं? बाजश्रव, नचिकेता और यमराज। तीसरा प्रश्न, नचिकेता किसका रहस्य प्राप्त किया? तो आत्मा का। गृह कार्य में पहला प्रश्न, नचिकेता कौन था? दूसरा प्रश्न, नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? तीसरा प्रश्न, नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा? नीचे बाईं ओर छात्राध्यापक का हस्ताक्षर, दाहिनी ओर प्रेक्षक का हस्ताक्षर एंड दूसरे पेज में प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर कराएंगे।